अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो भारत में गाय का कत्ल करने के लिए 350 कत्ल खाने होते थे, अब अंग्रेजों के जाने के देश में 36,000 कत्ल खाने हो गए गाय का कत्ल करने वाले। जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर गए थे तो एक साल में 30,000 गाय कटती थी, अब अंग्रेज के बाद इस देश में एक दिन में 30,000 गाय कट जाती है। ये हमने विकास किया। अंग्रेज जब इस देश को छोड़कर गए थे तो गाय का मांस अंग्रेजों की पुलिस खाती थी और अंग्रेजों की सेना खाती थी। अंग्रेजों के चले जाने के 60 साल के बाद भारत की गायों का मांस दुनिया के तमाम लोग खा रहे हैं। यहां से गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में ये जो कानून नहीं बदला सरकार ने, अंग्रेजों के जाने के बाद भी नहीं बदला, उसका आज दुष्परिणाम ये है कि गाय के एक एक साल के बछड़े, दो दो साल के बछड़े रात दिन काटे जाते हैं, ट्रक के ट्रक भर के कत्ल खानों में भेजे जाते हैं। किसी कत्ल खाने के सामने आप जाके 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। पंजाब से गायों का इतना कत्ल हुआ है कि देशी गाय ही दिखाई नहीं देती इस पूरे पंजाब में। पंजाब के मैं जितने भी गांव में आज तक गया हूं, किसी भी गांव में देशी गाय का दर्शन नहीं मिला। हिंदुस्तानी गाय, थरपारकर, साहीवाल, कांकरेजी, लाल सिंधी, सफेद सिंधी, राठी, ये सब भारत की गाय है, कहीं दिखने को नहीं मिलती है। जो पंजाब में दिखाई देती है वो सब अमरीकी गाय, होलिस्टियन फ्रीजियन, जिसको अंग्रेजों ने लाकर यहां छोड़ा और हिंदुस्तानी गाय को साफ करा दिया। और ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है, देशी गाय का बड़े पैमाने पर कत्ल। अंग्रेजों का तर्क ये था कि गाय का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आज हमारे देश में जो काले अंग्रेज चला रहे हैं सरकार को, वो भी यही कहते हैं कि गाय का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए गाय का कत्ल बंद नहीं हो सकता।